और उसे भी चिराग पासवान जी से मेरा बेटा है और भतीजा है, उन्होंने आके उनको पेट छुआ, मुझसे आशीर्वाद मांगा, मैंने उनको आशीर्वाद दिया, मैंने पीठ भी थपथपाया। इस बात को मार्केट में गलत ढंग से प्रचारित किया जा रहा कि चाचा भतीजा मिल गए, चाचा भतीजा मिल गए, इस तरह की कोई बात नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बीते दिन एनडीए की बैठक हुई थी जिसमें केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और चिराग पासवान गले मिलते हुए दिख रहे थे, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा चलने लगी कि क्या पशुपति पारस और चिराग पासवान एक हो गए हैं। तो इस पर आज केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने साफ तौर पर स्पष्ट रूप से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पारिवारिक रिश्ता अलग है और आप लोग इसे राजनीतिक मोड़ नहीं दीजिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनका दल अलग है, मेरा दल अलग है। और वहीं हाजीपुर सीट को लेकर फिर से क्या कुछ कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, पहले सुनिए उनकी बातों को। हमें गलतफहमी को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। 18 तारीख को दिल्ली में एनडीए की बैठक थी, उस बैठक में पूरे देश के सभी दल के एनडीए के सभी दल के सर्वमान्य नेताओं की उपस्थिति में बैठक शुरू होने के पहले चिराग पासवान जी आए और सबसे पहले उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का पैर छू के आशीर्वाद लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के एक व्यक्ति होम मिनिस्टर जी के बाद मैं खड़ा था और उन्होंने पैर छुआ, मैंने उनको दिल से आशीर्वाद दिया। ये कल्चर है अपने बिहार का और खास करके जहाँ से हम लोग आते हैं मिथिलांचल का, ये मिथिलांचल का हम लोग का कल्चर है। और उसे भी चिराग पासवान जी से मेरा बेटा है और भतीजा है, उन्होंने आके उनको पेट छुआ, मुझसे आशीर्वाद मांगा, मैंने उनको आशीर्वाद दिया, मैंने पीठ भी थपथपाया। इस बात को मार्केट में गलत ढंग से प्रचारित किया जा रहा कि चाचा भतीजा मिल गए, चाचा भतीजा मिल गए, इस तरह की कोई बात नहीं है। उनका दल अलग है, मेरा दल अलग है। हम एनडीए गठबंधन के 2014 से लेकर आज तक विश्वासी मित्र हैं, विश्वासी सहयोगी हैं, हमारी पार्टी है। हम अपने दल के 5 सांसद हैं, 1 विधान पार्षद हमारे दल में है और लाखों की संख्या में हमारे समर्थक और हमारे कार्यकर्तागण हैं। जो गलतफहमी पैदा हुई है, उस गलतफहमी को दूर करने के लिए मैंने आज प्रेस वार्ता किया है। चिराग पासवान जी की जो पार्टी है, सबसे पहली बात तो यह है कि चिराग पासवान जी की पार्टी एनडीए गठबंधन का पार्ट नहीं है। 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो हम 5 सांसद की राय थी कि हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ हैं, एनडीए गठबंधन से चुनाव जीत के आए हैं। पूरी पार्टी का ये फैसला था कि एनडीए गठबंधन के साथ हम रहें और विधानसभा का चुनाव लड़ें, लेकिन चूंकि उस समय चिराग जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी अध्यक्ष थे, उन्होंने हम लोग की बात को नकारते हुए उन्होंने फैसला लिया कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। फिर उनका जो नारा होते गया चुनाव में कि मैं भाजपा का हनुमान हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूँ, लेकिन वो दोनों तरफ गए, जनता दल यू के खिलाफ में भी उन्होंने उम्मीदवार दिया और भाजपा के खिलाफ भी उन्होंने उम्मीदवार दिया, जिसका ज्वलंत उदाहरण हमारा लोकसभा क्षेत्र है और हमारे माननीय सांसद महोदय का भी लोक क्षेत्र है कि उन्होंने हसनपुर से आरजेडी के उम्मीदवार को उन्होंने अपना उनके खिलाफ जो उम्मीदवार दिया वो उम्मीदवार एनडीए के वोट काटने में सफल हुआ। उसी तरह से हमारे क्षेत्र में राघोपुर और लालगंज 2 विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने उम्मीदवार दिया, उनके उम्मीदवारी देने से
एनडीए को घाटा हुआ और आरजेडी की जीत। उसी तरह से राजू तिवारी जी जो उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनकी यहाँ भी उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ में अपना उम्मीदवार दिया और एक भागलपुर में दिया। तो इस ढंग से एक तरफ वो कहते हैं कि हम राम भक्त हनुमान हैं, हम भाजपा के सहयोगी हैं, और दूसरे तरफ उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जिताने का प्रयास किया। और नतीजा क्या निकला उस समय में, हम लोग एक दल में थे, हम लोगों ने विरोध नहीं किया। 5-6 सांसद हम लोग एक साथ थे, हमारी मजबूरी थी। और स्वर्गीय पासवान जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे। उनकी मृत्यु के बाद जो हमारा वोटर्स है, जो हमारा समाज है, वो पासवान जी को देखते हुए उन्होंने चिराग पासवान के उम्मीदवार को वोट दिया, क्योंकि उस समय हम लोग का कोई उम्मीदवार था नहीं। और 5% वोट मिला चिराग पासवान जी, पासवान जी की सहानुभूति वोट, और प्लस दल हम लोग एकजुट थे, तो दल की एकजुटता के चलते वोट मिला। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हुआ कि उनका सिर्फ एक उम्मीदवार जीता। वो भी उम्मीदवार जीतने के बाद एक सप्ताह के बाद प्रेस में बयान दे के निकला, चिराग पासवान कौन है मैं नहीं जानता, उसको चिराग पासवान ने टिकट नहीं दिया। वो जाके जनता दल यू की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की। और उस समय से आज तक 2020 से लेके 2023 तक हम लोग की लड़ाई थी चिराग पासवान से कि तुम एनडीए गठबंधन के साथ हम लोग रहे, लेकिन वो हम लोग की बात को, बहुमत की बात को उन्होंने काट दी। और 2 के बाद फिर परेशान होकर के वो एनडीए गठबंधन में आने के लिए प्रयास किए। तो ये राजनीतिक चरित्र नहीं है, हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। और हम एनडीए के पुराने सहयोगी हैं और विश्वासी सहयोगी भी हैं, इसका ज्वलंत उदाहरण आज भी आप देखे होइएगा कि रोजगार मेला का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे नाम का ही फोटो जल दिया गया, और आज में रोजगार मेला का भी उद्घाटन किया। मार्केट में कुछ गलत फहमी है जो प्रेस मीडिया के साथ ही है, आज वहाँ कुछ लोग बोल रहे थे कि आपकी पार्टी में टूट है। अरे पार्टी में कहाँ टूट है, हमारे पार्टी में 5 सांसद हैं, 3 सांसद यहाँ मौजूद है, 1 प्रिंस राज है, 4 है, 1 श्रीमती बीना देवी है। इसलिए हमारे दल में कहीं कोई टूट नहीं है, कहीं कोई फूट नहीं है, और हम भाजपा के सहयोगी दल हैं, ईमानदार सहयोगी दल हैं। और जहाँ तक हाजीपुर का सवाल है, चिराग पासवान जी का कहना है कि हाजीपुर मेरे पिता की कर्मभूमि है, तो उनके पिता की कर्मभूमि है तो मेरे भाई का भी कर्मभूमि है। और मैं शुरू से कहता आया हूँ कि जब से राजनीतिक जीवन में 69 से पासवान जी आए, पहले वो हमारा जो जहाँ घर है अलौली, वहाँ से बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए, और जब 77 में वो हाजीपुर से सांसद बने, मैं उस समय टीचर था, मैं सरकारी नौकरी में था, उन्होंने मुझको ही बुला के कहा कि पारस तुम ही मेरा उत्तराधिकारी हो, तुम ही अलौली से चुनाव लड़ो। और मैं अलौली से चुनाव लड़ा भाई साहब, और 7 अलौली विधानसभा से मैं विधायक बना। फिर जब हाजीपुर की बारी आई, जब 2019 में पासवान जी राज्यसभा में चले गए, उन्होंने मुझको बुलाया कि आप सब लोगों को ये पता है कि हमारे तीनों भाई में कितनी घनिष्ठता थी, ये सब पूरे बिहार के लोगों को पता, देश के लोगों को पता हो नहीं हो, पूरे बिहार के लोगों को पता है कि हम लोग राम लक्ष्मण भरत के तरह तीनों भाई रहते थे। आज तक कभी भी जब तक जिंदगी में हम लोग 70-72 वर्ष में उम्र हुआ, कभी तीनों भाई में मनभेद हुआ न मतभेद हुआ न परिवार में हुआ। फिर उन्होंने मुझको बुलाया कि पारस हमारे पीठ पर हाथ दिए, देखो तुम मेरा छोटा भाई हो और तुम हमारी बात को मानते हो, तुम हाजीपुर से चुनाव लड़ो। मैंने कहा कि भैया हम तो बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और दिल्ली में कभी गया नहीं हूँ, मैं 77 से लेकर आज तक मैं बिहार की राजनीति में हूँ, आप परिवार में से किसी दूसरे सदस्य को चुनाव लड़ा दें। मैंने नाम लिया
या आप चिराग पासवान जी को जरा दीजिए, आप भाभी जी को जरा दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, चिराग पासवान जमुई से सांसद है, वो जमुई से लड़ेगा। तुम हाजीपुर को 77 से लेकर आज तक तुम हाजीपुर को जानते हो, हाजीपुर हमारी माँ है और हमारा सपना है, हमारा सोच है कि मेरे नहीं रहने के बावजूद भी हाजीपुर में जो मेरा थोड़ा कार्य पड़ा हुआ है, तुम ही इस कार्य को पूरा करोगे। चिराग पासवान जमुई के सांसद है और जितना मुझको विश्वास तुम पर है उतना परिवार के किसी दूसरे सदस्य पर नहीं। मैंने उनकी बात को काट नहीं सका, मैं चुनाव लड़ा और जिस दिन नामांकन हुआ उस दिन मैंने आप हाजीपुर के बहुत से हमारे कार्यकर्ता लोग हैं यहाँ, मैंने अपने भाषण में कहा था कि मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन बड़े भैया का आदेश है और पार्टी का निर्देश है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इस चुनाव में मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरा डिमोशन हो रहा, क्योंकि मैं बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। उसमें पत्रकार साथी ने हाजीपुर में सब लोग लिखे अखबार में कि पारस जी चुनाव हार मान लिए, पहले दिन मान लिए, इसलिए उन्होंने इस तरह की बात कही। लेकिन नहीं, वो बात नहीं था, बात है राजनीतिक और वसूल की बात है। तो आपने सुना पारस साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो हाजीपुर सीट है वो हम किसी भी हालत में लड़ेंगे, और जिस तरह से कहें तो चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि हाजीपुर सीट से लड़ेंगे। अब जिस तरह से बात करें तो चिराग पासवान भी एनडीए में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद अब चाचा भतीजा आपस में ही भिड़ते हुए दिख रहे हैं। तो क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी इस पर निर्णय लेती है कि हाजीपुर सीट है जो किसको दिया जाए? लेकिन जिस तरह से चाचा भतीजा के जो रिश्ते हैं वो कहे जा रहे थे कि अब एक हो गए हैं, लेकिन जिस पर पशुपति पारस ने साफ तौर पर मोहर लगाते हुए कह दिए कि हम लोग की जो रिश्ता है वो अलग है और राजनीतिक इसे मोड़ नहीं दिया जाए। तमाम खबरों पर रहे अनिश पुनेसन के साथ, नमस्कार।